सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और एक ट्रिप ऐसी अनप्लान्ड, मतलब सडन प्लान हुई है कि बस हम लोग तुरंत निकल रहे हैं और दोपहर के 12 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। ये पूरा राइडिंग गियर्स के साथ एकदम प्रिपेयर हो चुके हैं, मतलब फुल राइडिंग गियर्स में आ चुके हैं और मैं अभी तक नहीं आया हूँ, जैकेट पहन के बस निकल रहे हैं। बाकी की सारी बातें मोटो ब्लॉगिंग में होंगी, सो रास्ते में मिलते हैं। सो गाइस, ये ट्रिप बिल्कुल अनप्लान थी, सडन हम लोग ने प्लान बनाया कि चलना है, तो हमने कहा ठीक है चलो। और मेरी RS जो है वो आपको पता है अभी ख़राब है, बनवाने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। सो दो बाइक्स यहाँ जा रही हैं, R15 और निंजा। R15 चलाने की हिम्मत तो मेरे अंदर थी नहीं, तो हम निंजा ही चला रहे हैं, क्योंकि हल्का फुल्का चला सकते हैं लेकिन लॉन्ग रूट्स पर अगर चलाएंगे तो मेरे हाथों को वहीं रुकना पड़ेगा और मैं बिना हाथों के आऊँगा ठाकुर साहब बन के। सो हमने सोचा कि निंजा चला लेते हैं। बाकी इस बार हमारे पप्पन पिल्लो भाई साथ में जा रहे हैं और इनको वहीं गंगा में डुबो देंगे हम लोग, इनके पाप बहुत हो गए। तो अरे यार, गंगा में डुबो देंगे पहले ही बता दे रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं। वैसे गंगा बहुत जगह है। सो हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। थैंक यू। सो ट्रिप हमारी ऑन हो चुकी है और हम निकल चुके हैं अपनी एक नई जर्नी पे। सो आज फर्स्ट ट्रिप जो है वो निंजा पे होने वाली है, डुअल सिलेंडर पे, और फील लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे हमें 8-10 सिलेंडर पे भी करनी है एक नई जर्नी। तो पहले निंजा पे शुरुआत करते हैं, देखते हैं डुअल सिलेंडर कैसा परफॉर्म करती है। ओके अंकल जी, इंडिकेटर की दिया करिए, बिना इंडिकेटर के मुड़ रहे हैं आप। तो शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और हम लोग निकल रहे हैं, 12:30 बज रहा है ऑलमोस्ट, तो दिन के टाइम पे निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक हमें झेलना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग में निकले होते तो ट्रैफिक टल जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। सो हम आ चुके हैं शहीद पथ पे और इधर हमारे हैं जैगुआर का शोरूम। मतलब लखनऊ में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलने लगी हैं कि आ ही बताएं। एंड हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज। और इस लीगल बंजारा चैनल पे काफ़ी ज़्यादा दिन से वीडियोस नहीं आए थे, तो हमने सोचा एक ट्रिप की जाए। और अचानक बैठे बैठे रातों रात प्लान हुआ ट्रिप का और हमने सोचा चलो निकल लेते हैं। हमने सोचा था मॉर्निंग में निकलेंगे, लेकिन मॉर्निंग में जागते जागते अचानक से सुबह 5:30 बजे आग लग गई और उठे 10 बजे। सो निकलते निकलते 12 हो ही गया ऑलमोस्ट, लेकिन हमने कहा प्लान हो चुका है तो लेट नहीं करेंगे, निकलेंगे आज ही। हमारे सामने चल रही है R15 V3, मतलब V3 इज अ टूरिंग मशीन, ऐसा ये कहते हैं, इन्होंने बना दिया है, कहते नहीं है, इन्होंने बना दिया है V3 को टूरिंग मशीन। और अपन ले रहे हैं निंजा का मजा। लेट्स सी इस ट्रिप पे निंजा कैसा परफॉर्म करती है। पहली बार मैं निंजा जैसी बाइक पर ट्रिप कर रहा हूँ, मतलब डुअल सिलेंडर बाइक पर ट्रिप कर रहा हूँ, और RS को बहुत मिस करने वाला हूँ। डेफिनेटली RS को मैं मिस करूँगा, क्योंकि RS है मेरे लिए, तो वो मेरा प्यार है। तो ट्रिप की शुरुआत में ही सभी लोग जोर से बोलो हर हर महादेव, क्योंकि हम जा रहे हैं महादेव की नगरी काशी, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने और बनारस की गलियां घूमने। बनारस मैं एक बार गया हूँ, बहुत पहले गया था, अपने बर्थडे के दिन गया था, बट घूम नहीं पाया था, सिर्फ दर्शन करके चला आया था। सो इस बार हम बनारस को एक्सप्लोर करेंगे, बनारस की गलियाँ एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि बनारस मतलब हमारे पूरे इंडिया में हर एक शहर बहुत, मतलब तारीफ ही नहीं कर सकते शब्दों में यार, ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो किसी भी देश में नहीं है। चुका है पेट पूजा का, हमारी नहीं हमारी बाइक की, क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल निल है और बहुत देर से खोज रहे थे कि कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो हम पेट्रोल डला लें। सो टैंक इसका यहाँ कराएंगे फुल और देन निकलेंगे। सो इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है, 17 लीटर पेट्रोल आ जाता है बाइक में। सो फ्यूल कैपेसिटी के मामले में बाइक बहुत ही बढ़िया, आपको बार बार रुकना नहीं पड़ेगा। 17 लीटर, इसमें 15 आया आई थिंक, 2 पहले से रहा होगा। और हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे पे मेन, सुल्तानपुर की तरफ बढ़ते हुए। वाह यार, क्या एक्सप्रेस वे मिला है, ऐसे कॉर्नरिंग करने का मन करने लग गया। क्या गजब एक्सप्रेस वे है यार, एकदम झम्मन चप्पू, मजा आ जाए एकदम। ये अभी नया नया बना है और इसी का उद्घाटन किया था योगी जी ने और मोदी जी ने, मज़ा ही आ गया। लेकिन ये एक्सप्रेसवे बहुत बढ़िया है, बिल्कुल लग रहा है कि आगरा एक्सप्रेसवे टच कर रहे हैं। एक नंबर भाई, एक नंबर मक्खन। अगर ऐसा रास्ता मिला हमें तो हम बहुत जल्दी कवर कर जाएंगे डिस्टेंस। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका स्वागत करता है। थोड़ा सा रुका जाए, एक दो स्टोरी अपडेट की जाए, बिना स्टोरी के ट्रिप यार अधूरी सी लगती है। ये नीचे क्या बना रहा है सड़क, इतना भी नहीं पता पगले को, हमें नहीं पता था सड़क बन रही है। सड़क
ट्रिप पे निकले हुए चार लोग, मैं, पप्पन और ईशु और एक श्रवण, और एक बैग हमने कार में रखवा दिया क्योंकि कार भी आ रही है वाराणसी, लेकिन कार का टाइम थोड़ा सा लेट था तो हमने बैग रखवा दिए ताकि हमें बैग कैरी ना करना पड़े, बैग डायरेक्ट हम वहीं रिसीव कर लेंगे। और इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मज़ा लेते हुए हम मक्खन की तरीके से आज पहुँचेंगे एकदम चकाचक वाराणसी, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, क्या खूबसूरत एक्सप्रेसवे है यार, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, मतलब एक नंबर। तो पहले टोल का उद्घाटन करते हुए, टोल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी नहीं लग रहा आई थिंक, बाबा अपन जाएंगे मुफ्त, अभी कोई टोल नहीं लग रहा है, वाह बच गए टोल से। अभी तक एक ही एक्सप्रेस वे पे हम गए हैं, आगरा एक्सप्रेस वे, जहाँ बाइक का भी टोल लगता है, अब आई थिंक इस पे भी लगने लगेगा क्योंकि एक्सप्रेस वे ही ऐसा है यार, टोल तो बनता ही है इस चीज़ का टोल देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ यार, मतलब इस एक्सप्रेस वे भी लोग उल्टा आ रहे हैं, वो भी कार से, बस से, ट्रक से, पता नहीं, ये देखो उधर इतना बढ़िया चमचमाता हुआ एक्सप्रेस वे पड़ा है लेकिन ये लोग उल्टा चले आ रहे हैं, पता नहीं क्यों बंद है, क्या है, क्यों आ रहे हैं आखिर ये लोग उल्टा, देख रहे हो खतरनाक हो सकता है ये, सब के सब उल्टा आ रहे हैं, कुछ तो उस कॉर्नर पे, कुछ इस कॉर्नर पे आ जा रहे हैं काटने के चक्कर में, अब यहाँ पे ओवरटेक भी करेंगे, ये देखो देखो ओवरटेक कर रहे हैं। वाओ निंजा क्या भाग रही है यार, एकदम मजा आ जाए, दिल खुश। अब R15 तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई है तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे रोक के एक दो फ़ोटोज़ क्लिक करा ली जाए, फ़ोटोज़ बहुत ज़रूरी होती हैं अपने पेजेस पे अपडेट रहने के लिए, तो एक दो फ़ोटो क्लिक कराते हैं जब तक कि R15 आती है। आप देख सकते हो R15 का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल। सो फोटोज़ वगैरह क्लिक हो गई हैं, फ़ोटोज़ के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और अब ये भी आ गए हैं, काफ़ी पीछे रह गए थे हम लोग, 5-10 मिनट से रुके हुए हैं, बहुत पीछे रह गए थे भाई। लेकिन तुम बहुत धीरे चल रहे हो मैं लग रहा है, नारियल पानी पीना है बिल्कुल। वो देखो पेड़ लगा जाओ, दो लेना जो भी लेना, मेरे लिए भी ले आना। तो बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेस वे है, मतलब यार इस एक्सप्रेस वे पे आराम से 500 किलोमीटर का रास्ता अगर ऐसे हो, सो दो ढाई तीन घंटे बहुत है। और क्या परफॉर्म कर रही है निंजा यार, एकदम जब 2-लाइन इंजन ऐसे परफॉर्म कर सकता है इतना बढ़िया, तो 4-सिलेंडर तो बात ही यार मज़ा ही आ जाएगा, इनलाइन 4 की तो बात ही अलग होगी, लेकिन बहुत रिफाइंड फील हो रही है निंजा ट्रैवल के दौरान मुझे, मतलब एक भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है पूरी बॉडी पे, और भागने में तो भाई एक नंबर चौचक मज़ा आ जाए बिल्कुल। तो हमने कवर कर लिया 100 किलोमीटर जब से हमने पेट्रोल डलाया था, उसके बाद से 100 किलोमीटर हुए हैं और चलवे से कवर किए एकदम ऐसे निंजा पे चिढ़ते हुए। अब भूख लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था हमने, और ये आ गए कुकुर, कुकुर भाई साहब, भाई क्यों आते हो रोड पे मरने के लिए, क्यों साइड में जाओ। तो सुबह जब से उठे हैं तब से कुछ भी नहीं खाया, बस चाय पी के तुरंत निकल लिए थे, तो अभी रास्ते में मुझे नहीं लगता इस एक्सप्रेस वे पर कोई ढाबा मिलने वाला है, तो फटाफट एक्सप्रेस वे ख़त्म करें और किसी ढाबे पर रुक के कुछ खाएँ क्योंकि भूख अब बहुत तेज़ लग रही है। तो हमें पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया दिखा है 1 किलोमीटर पे यहाँ से, तो हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने क्योंकि अब भूख बहुत तेज लग चुकी है, तो खाना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल पंप, इमरजेंसी कॉलिंग एंड कई सारी चीज़ें, फूड भी है, फर्स्ट रेस्टोरेंट। 115 किलोमीटर हमने कवर किए हैं, 115 किलोमीटर के बाद आया, ये तो धोखा हो गया भाई, ये कौन सा फूड एरिया था भाई, कुछ नहीं है यार यहाँ तो, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है लेकिन इधर कुछ है नहीं, अभी बना ही नहीं है क्या। तो गूगल बाबा ने हमें शहर के अंदर ढकेल दिया, सुल्तानपुर यहाँ से 11 किलोमीटर है और अब रोडें हो चुकी हैं थोड़ी बहुत ख़राब, और कुछ खाने का ढंग का मिल भी नहीं रहा, हम सोच रहे हैं कोई रेस्टोरेंट टाइप तो इधर भूल ही जाओ क्योंकि गाँव टाइप का एरिया लग रहा है मुझे, तो कुछ ढंग का खाने को ही मिल जाए तो काम बन जाए, बट सिर्फ फास्ट फूड मिल रहा है लाइक पानी कोताशे वगैरह, चाउमीन वगैरह, और कुछ दिख ही नहीं रहा इस रोड पर। फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी ढाबा, ये अपने वाला है भाई, बस यही तो चाहिए था। ये ढाबा है, कुछ खास ढाबा नहीं है लेकिन अगर कुछ खाने का ढंग का मिल जाता है तो छोटी से छोटी चीज़ बड़ा काम कर देती है। तो यहाँ रुक के कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे हम लोग। तो यहाँ ढाबे पे बैठे हुए हैं और हमने चाय मंगा ली, चाय
बहुत मैंडेटरी होती है हर ट्रिप पे, बाकी इसे तो चाय पीते नहीं है। यहाँ तो स्टिंग भी नहीं मिलेगी, यहाँ तो स्टिंग भी नहीं मिलेगी, तो इनके साथ एक घाटा है। बाकी चाय हर जगह मिल जाती है, बाकी धुआं बहुत सुलगा दिया इन्होंने, ये देखो एकदम धुआं धुआं कर दिया, एकदम ऐसा धुआं सुलगा दिया है कि आंखों में बहुत तेल लग रहा है। यहाँ बैठे कि भागे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाना भी ऑर्डर कर दिया है। सो गाइस, खाना पीना हम लोग खा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, बज रहे हैं 4:33, मतलब 4:30 ऑलमोस्ट हो गया है, और अभी करीब 160-170 किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन जो है वो बाकी है, वाराणसी में आज ही पहुंचना है। और इनकी गाड़ी का जो है टायर वो हो गया शायद पंचर, हवा निकल गई है, सो देखते हैं इसका भी हमें कुछ उपाय खोजना पड़ेगा रास्ते में ही, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। बाकी अपनी निंजा तो बढ़िया चल रही है, एकदम मज़ा आ रहा है चला के, सरसरा के हवा निकल रही है भाई। इशू की गाड़ी बन चुकी है, पंचर बन गया है, तो अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं क्योंकि काफी लेट हो चुका है। नाउ लिटरली दे आर बिहेविंग लाइक अ छपरी राइडर, कोई भी हेलमेट नहीं है, गलत कट्स मार रहे हैं इधर उधर, इतना उसमें पूरी पूरी तरीके से छपरी राइडर की तरह बिहेव कर रहे हैं होसंग राइडर। अरे भाई, तो यार हम लोग बहुत आगे निकल आए और इशू का पीछे कुछ अता पता चल नहीं रहा है, तो हमने गाड़ी यहाँ रोक दी है और हम कर रहे हैं उनका इंतजार कि जल्दी से वो आ जाए तो साथ में ही हम चलें। वैसे कितने किलोमीटर बचा है अभी, गति हमारी यही रही तो इसी गति के अनुसार समय जो लगने वाला है वो 2 घंटे 38 मिनट का लगने वाला है, 8:27। सो हमने ऑलमोस्ट वाराणसी की सीमा में कदम रख दिया है, 283 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं, अभी 13-14 किलोमीटर ही खाली बचा हुआ है और जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे, वो भी कवर हो जाएंगे। लेकिन हमने लखनऊ से वाराणसी के बीच में सिर्फ एक स्टॉपेज लिया है जहां हमने खाना पीना और चाय की थी, उसके बाद हम लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा ख़राब भी मिला, थोड़ा सा अच्छा भी मिला, और जौनपुर होते हुए हम लोग निकले हैं। पूरे रास्ते कहीं रोड लाइट्स नहीं थी, बस वाराणसी में जब ये 15 किलोमीटर पहले से रोड लाइटें मिली हमें, बाकी पूरा रास्ता अंधेरे में कवर किया हमने। और आज तो ऐसे जल्दी, मतलब आज के दिन इतनी जल्दी शाम हुई ना, ऐसा लग रहा था 5:30 बजे जो सन्नाटा और जो ब्लैक रोड थी, अंधेरा था, लग रहा था कि रात के 10-11 बज रहे हैं, ऐसा माहौल बन गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हमने हर चीज़ कवर कर डाली। भाई ये क्या है, गजब है भाई, एकदम जलवा। अरे भाई साहब, ये गेस्ट हाउस है, ये गेस्ट हाउस है भाई, शादी हो रही है अंदर। हाँ, तो फाइनली हम लोग बनारस पहुँच चुके हैं और यहाँ पे चाय की शॉप थी, मस्त चाय थी। किधर चलना है? तो हमने लखनऊ में फ्यूल टैंक फुल कराया था, 299 किलोमीटर हुए हैं और पेट्रोल अभी भी बचा हुआ है, और होटल यहीं पे ले लिया है, होटल कमलेश हट है, 1700 रुपये एक रूम में 4 लोगों को एडजस्ट किया है, उससे ज़्यादा मान ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा हम लोग ने कोशिश की। हालाँकि यहाँ हॉस्टल भी हैं कई सारे, 300 रुपये बेड मिल जाता है, लेकिन आज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें रूम ही मिले, ज़्यादा ठीक है। सो ये है होटल कमेश हट और इसी में हमने रूम लिया है। ये लोग गए, ओफो लौंडों को देखो, कहाँ गया दूसरा लौंडा, सबसे पहला काम, बहुत इम्पोर्टेंट काम, गैजेट्स चार्जिंग पे लगाने हमें ताकि हमारा फ़ोन ऑन हो सके। बाकी कुछ ऐसा, अरे बाथटब वगैरह भी है भाई, जलवे से एकदम बढ़िया साफ सुथरा है। ये रही बाथटब, गर्म पानी आएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, होना चाहिए यार, मतलब कनेक्शन किसी किसी में उससे होता है। तो होटल में हमने चेक इन कर लिया है, 1700 रुपये में एक रूम हमें मिला है एक्स्ट्रा मैट्रेस के साथ में। मैं कह रहा था 1600 में दे दीजिए, लेकिन उन्होंने माने नहीं, उन्होंने कहा नहीं 1700 में ही देंगे हम, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, बहुत जल्दी में थे वैसे भी। और इसके बाद हमें खाना खाना है क्योंकि भूख फिर से लग गई है, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर खाना खाएंगे और उसके बाद शुरू करेंगे इस ब्लॉग की एडिटिंग। तो थोड़ी बहुत तफरी करते हैं, उसके बाद जाएंगे खाना खाने। तो अभी बनारस पहुंचे ही थे और ये भाई लोग हमारे लिए स्पेशल केक लेके आ गए हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा केक बनवाया है, वेलकम टू वाराणसी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 600K। तो थैंक यू गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। कर रहे हैं
बनारस से काफी लोग मिलने आ गए, पीछे सारे भाई लोग हैं। मैं भी बनारस से हूँ भाई। मैं भी बनारस से हूँ। तो बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए मिलने। बाकी रात के 11 बज रहे हैं, अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन मतलब पेट ऐसे ही भर चुका है, इतने लोग आ गए। बाकी भाई बहुत अच्छा केक लेके आए थे, तो थैंक यू भाई आप लोगों का। वन लाइफ बेबी, तो ये सबसे बड़े फैन है, इनका सुबह का नाश्ता मेरी वीडियो से होता है और लंच डिनर सब मेरी वीडियो से होता है। मतलब डेली में सूरज भैया की वीडियो अपलोड हुई है, तो देखना है, मतलब देखना है। तो अभी बज रहे हैं 11:35 और अभी सारे सब्सक्राइबर भाई लोग जो आए थे वो सब गए हैं। और जब हमने यहाँ पे नीचे कॉल की तो पता चला कि भाई 10 बजे किचन हो चुका है बंद, तो खाने के लिए ऑर्डर हुआ है अभी। और ऑर्डर आप देखिए कैसे किया गया है। बटर नान कर दीजिए और 3 बटर नान ऑर्डर कर दीजिए। लच्छा पराठा, गुल पराठा, बटर नान सब लियो, सब ला दो, सब भूख लगी बहुत तेज। उक्का लो यार। अरे श्रवण तो रुका हुआ है। अरे बहुत पड़ा है श्रवण, तुम ही बस भाई हो नजर आ गया वहां। काहे भाई एक दिन क्या पनीर दिक्कत लबाबदार कर दो, पनीर दो प्याजा कर दो, एक फुल दाल कर दो, एक फुल चावल कर दो, 18 दो क्या नाम है बटर नान कर दो, और 3 बटर नान, 5 बटर नान हो गए, 5, 6, 7, 8 बटर नान हो गए, 4 क्या नाम है लच्छा पराठा, हाँ एक फुल राइस भी है, 2 पनीर पराठे, 2 बटर नान, 2 पनीर सब्जी, 2 दाल, 2 फ्राइज, सब ला दो, भूख लगी बहुत तेज। और लास्ट में जो डांस करते हो वो तो फोन पे ऑर्डर दे दिया गया। और अक्षत भाई अपने पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये हमारे सरवर कुमार और ये हैं भाई, इनका नाम है अक्षत मिश्रा और इनको तो आप जान ही चुके हैं, वैरागी मोटो ब्लॉग उर्फ इशू उर्फ अमित वर्मा। तो बाकी पीयूष नीचे गया है उर्फ पप्पन पिल्लो। तो खाना ये लोग लेके आएंगे और ये वीडियो हम फटाफट डालते हैं लैपटॉप में, क्योंकि करनी है हमें एडिटिंग। इसके आगे का ब्लॉग आप देखोगे कल। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब करो फटाक से, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ताकि अपडेटेड रहो। बाय बाय। और भाई गाइस रेस्टोरेंट चाहिए या नहीं चाहिए यार, जल्दी से 1 मिलियन करा दो एक मंथ में, जल्दी से कराने यार, रेस्टोरेंट मिल जाएगी तुमको। नहीं रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट नहीं भाई, समझ रहे हो ना।